हेलो एवरीवन, सीखो सीखा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करने वाले जीके और जीएस के उन क्वेश्चंस के बारे में जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 8 जनवरी 2021 को दूसरी शिफ्ट में पूछे गए थे। तो देखिए, एक क्वेश्चन था ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ, यानी कि यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो यह प्रियंका चोपड़ा, फुल फॉर्म ऑफ BHEL की फुल फॉर्म पूछी थी। तो ये होती भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। वो इज फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक किसको बोला जाता है। तो बोला जाता है चार्ल्स बैबेज को। फुल फॉर्म ऑफ कोबोल, कोबोल की फुल फॉर्म पूछी थी। तो ये होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड अलोंग विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो कौन सा ऐसा आंदोलन था जो असहयोग आंदोलन के साथ साथ शुरू किया गया था। तो ये था खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट। नासा लॉन्च्ड विच सैटेलाइट ऑफ इंडियन स्टूडेंट, यानी कि भारतीय स्टूडेंट के किस सैटेलाइट को लॉन्च किया नासा ने। तो ये किया है कलाम सेट को, कलाम सेट ऑफ सैटेलाइट का नाम। नेम ऑफ व्हाइट टाइगर डाइड इन 2019, यानी कि 2019 में जो सफेद बाघ जिसकी मृत्यु हो गई थी उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था बाजीराव। नेम ऑफ बुक रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या था। तो आपको ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना था। तो उसका करेक्ट ऑप्शन था चिदम्बरा। लिटमस इज मेड बाय, लिटमस किसके द्वारा बनाया जाता है। जो लिटमस पेपर होता है वो किस चीज से बनता है। तो बनता है लाइकन से। फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल इज कॉल्ड, वेजिटेबल की जो फार्मिंग होती है, सब्जियों की जो खेती होती है, उसे क्या बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं ट्रक फार्मिंग। विच स्टेट हैड सेकेंड रैंक इन गुड गवर्नेंस एज पर PAI रिपोर्ट 2019, यानी कि PAI रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य का दूसरा रैंक था गुड गवर्नेंस में। तो यह था तमिलनाडु का। विच गैस इज हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस, तो कौन सी ऐसी गैस होती है जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस जो होती है, उसमें मददगार होती है। होती कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सत्येंद्र बोस गोट नोबल प्राइज इन विच फील्ड, सत्येंद्र बोस को नोबल प्राइज किस फील्ड के लिए मिला था। मिला था फिजिक्स के लिए। रैंक ऑफ इंडिया एज पर HDI इंडेक्स 2019, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है HDI, तो HDI इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत की रैंक कितनी थी, ये थी 129। पॉलिटिकल मेंटर ऑफ M.K. गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल जो गुरु थे, राजनीतिक जो गुरु थे, उनका क्या नाम था। तो था गोपाल कृष्ण गोखले। फैनी स्ट्रॉम अफेक्टेड विच स्टेट, जो फैनी जो तूफान आया था इसने किस राज्य को प्रभावित किया था, किस राज्य में तूफान आया था। यह आया था उड़ीसा के अंदर। सेकेंड रैंक एज पर पब्लिक अफेयर इंडेक्स इज ऑफ विच स्टेट, यानी कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अनुसार किस राज्य की रैंक दूसरे नंबर पे थी। तो था तमिलनाडु। वो इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का जनक किसको बोला जाता है। तो ये बोला था ग्रेगर जोहान मेंडल, यानी कि GJ मेंडल को। तो एक जीके और जीएस के क्वेश्चन थे जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 8 जनवरी 2021 को दूसरी शिफ्ट में पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखे। और अगर ऐसी ही वीडियो से लगातार संपर्क बना रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।